माँ, मारुति के मित्र राजभवन की वाटिका में आ गए होंगे। क्या मारुति उनके साथ खेलने जा सकता है? हाँ, मारुति खेलने जा सकता है, किंतु ध्यान रखना, राजभवन के परिसर से बाहर मत जाना। हाँ माँ, मारुति अपना ध्यान रखेगा। किंतु माँ, आज मारुति को डमरू से नहीं खेलना है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? माँ, मारुति को ये उपहार में मिला है, इसीलिए मारुति इसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता है। अब आप ही बताइए, मारुति इसे कौन से स्थान पर रखे? मारुति इसे यहाँ रख सकता है, शिवालय से अच्छा स्थान और कहाँ होगा मारुति के डमरू के लिए? आप मेरे डमरू का ध्यान रखना। माँ, ये तो आपका टीका हुआ, पिताश्री का टीका। सुमेरु नरेश केसरी जी और कृष्किंधा नरेश ऋक्षराज, पंपा सर में आपका स्वागत। कोई कठिनाई तो नहीं हुई यहाँ आने? नहीं पंपा सर, नरेश भद्रनाथ जी, आपने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। ये सौभाग्य और सम्मान तो हमारा है जो आप यहाँ पधारे। जी महाराज भद्रनाथ, आपकी व्यवस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि असुरों के आतंक के विरुद्ध होने वाली सभा निर्विघ्न संपन्न होगी। आइए पधारिए। आभास, आभास तो तुम सबको ये काल ने भी कराएगा महाराज केसरी। सभा, असुरों के विरुद्ध सभा, असुरों के विरुद्ध। आ जाओ आ जाओ। कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया है। बहुत प्यारी है वो। हाँ। देखो कितनी सुंदर चिड़िया। कितनी छोटी छोटी है। देखो देखो इनकी आंखें देखो, बहुत प्यारी है वो। देखो वो कैसी चींची चींची कर रही है। अरे वाह, कितनी बढ़िया चिड़िया है। है ना, ये तो वही चिड़िया है जिनके बारे में मारुति कह रहा था। सच में क्या सुंदर चिड़िया पाली तुमने मित्र। मारुति करता है देखभाल इनकी। और तुम सबको ज्ञात है
इस चिड़िया के शिशु केवल 2 दिन के ही हैं। देखो 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 कितने छोटे हैं। हाँ, सच कह रहे हैं। और प्यारे भी। ए, हाथ नहीं लगा। अरे रे, ध्यान से, बहुत कोमल होती है ये। माँ, दधिमुख इसे छूकर देखना चाहता था, किंतु ये चिड़िया अपनी चोंच मार रही थी। हाँ, क्योंकि ये उन शिशु चिड़ियों की माँ है ना। माँ का हृदय सब प्राणियों में एक सा होता है, ममता और वात्सल्य से भरा हुआ। अपनी संतान की सुरक्षा के लिए माँ सदैव तत्पर रहती है, और उसकी संतान को कोई हानि पहुंचाए ये वो कभी सहन नहीं कर सकती। और यही इन चिड़ियों की माँ ने किया, उनकी सुरक्षा। किंतु हम तो इनके साथ खेल रहे थे, हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे हम। हाँ। अब समझा माँ की बात मारुति। चलो अब तुम सब अपनी हथेलियां खोलो। क्यों? खोलो। ये लो। हाँ, ये आटे की गोलियां हैं। आटे की गोलियां? क्या इन्हें कच्चा ही खाना है क्या? अरे नहीं नहीं, इन्हें खाना नहीं है, खिलाना है। ओह, और इन चिड़ियों को अपना मित्र बनाना है। मित्रता का संबंध बड़ा अनमोल होता है। जब तुम इन्हें ये आटे की गोलियां खिलाओगे तब इन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम इनके मित्र हो, और फिर ये निश्चिंत होकर तुम्हारे साथ खेलेंगी। महारानी जी, पूजा की सारी तैयारी हो गई है। सब अपना ध्यान रखना, और चिड़ियों का भी।
अरे मुखिया जी आइए आइए। आपकी पुत्री के विवाह की व्यवस्था कैसे चल रही है मुखिया जी? सब व्यवस्था ठीक हो गई है पंडित जी, बहुत अच्छा वर मिला है। कल रात्रि का है, आप भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई बाधा उत्पन्न न हो। विष्णु का नाम लेना, अन्यथा तुम सबको अपने चक्र में ले लूंगा, तहस नहस कर दूंगा सब कुछ। विष्णु का नाम लेना। मैंने पहले तुम्हें गांव में कभी देखा नहीं, कौन हो तुम? चक्रासुर का नाम नहीं सुना तूने? मां मायावी महासुर चक्रासुर हूं मैं। चक्रासुर चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा। यहाँ क्यों आए हो तुम? विष्णु के सभी भक्त मारे जाएंगे, तहस नहस कर दूंगा सब कुछ। कितनी छोटी है, देखो किस तरह से प्यार कर रही है अपने शिशु को। हाँ हाँ, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। माँ अपने शिशु को प्यार नहीं करेगी तो किसके शिशु से करेगी? पकड़ो,
कुछ तो करो, रक्षा करो उसकी। मारुति, तुम ही रक्षा कर सकते हो उस पक्षी की। Mytho TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us for more interesting and entertaining videos.